यह गो खुद खबर तम पे पानक पास यो अम बड़ी खुद कम आम आदमी पार्टी नासिर अली कोचक साहब जिंदाबाद नासिर अली कोचक साहब जिंदाबाद नासिर अली कोचक साहब जिंदाबाद बे बोट आओ को तो कोई बे बोट आ बंदो बंदो को बे बोट आई चेवनी अपुज मुफ्ती शहीद चेवनी अपुज फारूक अपना तीन सवाल में आपने उनको उसने जो बोला आपने उसको मौका दिया हमको भी दे दो वह को बेसुद सवाल कर हिम्मत कर ये रोशु रोश तो तिम हिम्मत कर ये तिम मीटिंग बहुत दियो अगर पुन बोड़ मोनू आसलमान कौशु सू दियो मशीद पोस सू दियो कुन जाए कब्रिस्तान तथ कर मुरवत इतने पे सोचा पान करो काज द्राई खत द्राई पत बीजेपी या अपनी पार्टी तम खोचन कह यो तुम गोड चीज माइंडस मे सेट अप कर पुलिस तुम गवर्नमेंट तिंद सरकार तिंद अस पे जम्मू कश्मीर मे मही कह मगर अस खुददारी अस हौसल ईमानदारी अस वन वो करके दिखा रहे सू तो प्रूफ दिल्ली मे सू पंजाबस मे वन कोचक साहब पंद लाख रुपये से पांचन वर्यन मे रिटर्न कर गर वाल मगर तथ सू गर वो सम वोट त्रो सू गर वो सूस वोट त्राई आज चुन तुम फिदा सब या कोचक सब खत लड़न कह आज तुम पे घर खत लड़ मे वो यो तूरस मे मीटिंग मे वो तम आम आदमी पार्टी मे नफर आय या वर्कर आय या वॉल्टियर आय या लीडर आय यम आय बाको पार्टियो मे दुखी ऐसा ये तम सत्य ज्यादती गई पी डी पी एन कर नेशनल कॉन्फ्रेंस कर पार्टी कर मगर तु योत अश इंशाल्लाह रहमान बहुत तुम वन दिवसर कॉन्स्टिट्यूंस कैन लुकन खास तौर पर कि तुम गु ना उमेद कह जरूरत इस बाकी पार्टी पी डी पी नेशनल कॉन्फ्रेंस आम आदमी पार्टी अपनी पार्टी बाकी बीजेपी वो वो कोचक साहब ये मारो तेल मारो एक साथ बहुत तथिस इलाकस मे रोजान मे बस अगर तुम ये चोर लट फोन करो तो पांचन मिनटन मे वा तुह नश पुलिस या आर्मी तेज बहुत तथा गामस मे रोजान मजदूर साहब तक पता महद रमजान पता अच्छा तथा नेटवर्क ही मगर आने वाले इलेक्शन हम जुलूम के खिलाफ हर जगह लड़ेंगे जो यहाँ पर शब खून मारा है बीजेपी ने 370 उठा के और गवर्नर राज लगा के हम यहाँ पर एक डेमोक्रेटिक हुकूमत लाना चाहते हैं। अब हर घर में खुशी आएगी हर नौजवान को इंशाल्लाह रोजगार मिलेगा। सर कॉन्स्टिट्यूंसी का जो इलेक्शन मुहिम अभी चालू है अभी तो मुहिम इसको चालू नहीं कहेंगे क्योंकि अभी हम मीटिंगें कर रहे हैं मीटिंग का एक दौर चल रहा है पार्टी का ऊपर से हमें आर्डर है कि हर एक कॉन्स्टिट्यूंसी में मीटिंगें हो और ज़्यादा से ज़्यादा वॉलंटियर को जोड़ा जाए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अपने साथ
जोड़ा जाए और आम आम आदमी पार्टी का मंशूर लोगों तक पहुंचे, ये हमारे सबसे ज्यादा फोकस इस पे है कि आम आदमी पार्टी का जो मंशूर है वो वहां पे पहुंचे, लोगों के बीच में पहुंचे और लोगों को समझ आए आम आदमी पार्टी जो पीछे 70 साल 60 साल से यहाँ पे नेशनल कॉन्फ्रेंस और PDP ने और अब नई नई पार्टी आई है अपनी पार्टी जो BJP के BTM पार्टी है, उनको ये लग रहा कि उनकी ज़मीनें हैं, लेकिन इंशाअल्लाह रहमान आने वाले इलेक्शनों में आम आदमी पार्टी क्लीन स्वीप करेगी और जम्मू कश्मीर में नई सरकार बनेगी और आम आदमी पार्टी का चीफ मिनिस्टर होगा और इंशाअल्लाह रहमान दूसर कॉन्स्टिट्यूंसी के लोगों को विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि दूसर कॉन्स्टिट्यूंसी के लोगों को तामीर और तरक्की होगी और यहाँ के नौजवानों को रोज़गार होगा और हर एक चीज़ जो यहाँ पर कमी है वो